ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਅਭੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨੇ ਨਿਆਬ ਹਾਂਡੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਯਹਾਂ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਥੇ ਹੋਟਲ ਕਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਕੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਲੇ ਆਏ ਡਿਨਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ये सब रेस्टोरेंट्स की है की गली है और जिस रेस्टोरेंट को मैं तलाश कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आगे है तो अभी हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं। तो जी फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और ये है नवाब हांडी। मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद जो है ना नेट पे मुझे इसके रिव्यूज़ भी अच्छे मिले थे तो मैंने सोचा ज़रा इसको जाके एक्सप्लोर करूँ। इसकी ये सिटिंग भी बहुत अच्छी है ये आप देख सकते हैं और एक्चुअली शारजा में ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है तो इसका दूसरा पोर्शन भी है चले वहाँ चलते हैं। ये इसका फैमिली हॉल है यहाँ से अगर आप कहना चाहें फैमिली के ऊपर जा सकते हैं। तो जी ये फैमिली हॉल है एक नीचे वाला था और एक ऊपर वाला है तो मुझे ज़्यादातर मुझे यहाँ पर नीचे वाला हॉल ज़्यादा अच्छा लगा यार चलो थैंक यू। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं थोड़ी देर में है ज़रा आप मेन्यू वगैरह यहीं पड़े ना सर तो जी प्रॉब्लम चले मुझे मेन्यू दे दें तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिर देगा है। आपकी फेमस चीज़ क्या है? और फिश हंडी है चिकन असर हंडी है हमारा हंडी इसलिए आपका नाम नयाब हंडी है। तो ये सैलड आ गया ये कौन कौन सा सैलड है? ये फतूश सैलड है रशियन और ये कौन सा है? रशियन सैलड। अच्छा रशियन सैलड है चलो जी थैंक यू सो मच। चले फतूश सैलड से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इसमें पोमेग्रेनेट जूस होता है क्यूकम्बर होता है और पिटा पीसेस होते हैं और ये ऑनियन होता है तो ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पोमेग्रेनेट है ना उस जूस का बड़ा टेस्टी और उसका अपना मज़ा है। चलो ये ट्राई करते हैं। इसके ऊपर वैसे मैंने बादाम कभी नहीं देखे फर्स्ट टाइम ये रशियन सैलड के ऊपर बादाम रख के दिए इन्होंने। चलो जी बिस्मिल्लाह ये ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्लास आई रिकमेंड दिस। तो जी आ गया नान आ गया अफगानी नान और ये भाई ने ले आए मटन कढ़ाई ज़बरदस्त तो उठा के देखते हैं। ओए होए 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 उबल रही है मैं कहता हूँ तो माँ पै गए हैं जी वो देखें ओए होए होए बहुत गर्म है यार। चलें फिर स्टार्ट करते हैं मिशन अपना है। चलें जी हांडी का घुंघरू उठाते हैं ओए होए होए इतने तो आग लगी हुई गर्म बहुत है। तो ये देखें जी ऐसी क्रीमी सी और टेक्स्चर है इसका ये मटन है ये ज़रा करीब से देखें ऐसा ज़बरदस्त थोड़ी सी मिर्चा डालते हैं फर्स्ट क्लास। चलें थोड़ा नान तोड़ते हैं यहाँ से मसाला ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। मैंने स्पाइसी बोला था और बाकी स्पाइसी है मज़ेदार फर्स्ट क्लास। चले मैं खाना खाता हूँ बाकी होगी बातें बाद में। रिव्यू टाइम रिव्यू ये है कि खाना बहुत अच्छा था
जो हांडी थी ना मटन हांडी, उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त था, नान भी बहुत अच्छा था, पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह। सैलड्स जो दोनों थे, फतूश और दूसरा पेशन सैलड, वो भी अच्छा था और बिल बहुत रीज़नेबल था। बिलीव करें कि मैं कहता हूँ कि ये जिसका वो कहते हैं ना कि प्राइस कंपेरिजन आप इसके साथ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में यहाँ कोई भी आके खा सकता है। तो मेरा तो एक बकरी लिस्ट में से एक और टेक हो गया, ये एक फूड का रिव्यू भी हो गया और खाना भी खा लिया, रिव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह फिर अब जो है ना होगी मुलाकात होटल में, और बाकी कल के जो हमारे एडवेंचर होंगे उसमें हम आपको इंक्लूड करेंगे। अपना रखिए ख्याल।